नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हो। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे और उनका एक्शन क्या रह सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, इसका भी आपको पता ही होगा। जितना भी आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 अक्टूबर तक की होगी। ये रीडिंग 15 से लेके 21 अक्टूबर तक की जो वक्त है, इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपकी पर्सन की आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। फिलहाल ये इंसान रिश्ते से मूव ऑन करके अपने बारे में सोचना चाहते हैं। हो सकता है आप पहले से नो कांटेक्ट में हो तभी ये रीडिंग देख रहे हो, तो इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है। अभी ये रिश्ते में दोबारा आके लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, ये अभी अपने बारे में सोचना चाहते हैं। फिलहाल ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है। ये जो भी मैनिफेस्ट करेंगे इस वक्त, ये सारी चीज़ें उनको मिल सकता है। बातों में आके रिश्ते में दोबारा से इन्वॉल्व हो के लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है अपने बारे में सोचना, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, खुद के लिए अच्छा सोचना, ना कि रिश्ते में रह के रोज़ रोज़ की परेशानी, रोज़ रोज़ की झमेले में पड़ना। ये इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन किया है ये इंसान, और ये जानता है कि जब तक ये रिश्ते में थे इनको लगता है सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही हुआ है। प्यार कितना था ये आपको पता है आप दोनों को, लेकिन उनको फिलहाल लगता है कि इसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा था। इससे अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं, तो ये अभी खुद पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है। ये फिलहाल करंटली ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ज़्यादा अहमियत ये खुद पर दे रहा है। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये आपसे क्या चाहते हैं, ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपसे क्या चाहते हैं। जिनके साथ आप रिश्ते में हो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है। स्ट्रेंथ के कार्ड, द हार्मेट, नाइन ऑफ सोर्स। देखो ये हो सकता है आपने इनको छोड़ा था या फिर इन्होंने आपको छोड़ के मूव ऑन किया था, तो अभी ये चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर हिम्मत रखो, और ये खुद के अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। क्योंकि दोबारा से अगर रिश्ते में आना है तो हिम्मत की ज़रूरत है, और जिस भी परिस्थिति में इन्होंने आपको छोड़ा है या फिर आपने छोड़ा है ये आपको पता है, तो उस परिस्थिति में इन्होंने बहुत परेशानी झेली है या फिर आपने झेला है जब इन्होंने आपको छोड़ के गया। किसी ने कहा मुझे, मैडम मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा, इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं।
ये जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, हो सकता है ये आपके साथ हुआ है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ना हम उस इंसान को देख पाते हैं, ना हम आपकी स्थिति को जानते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो मुझे कलेक्टिवली जो दिखाई देता है, जो नज़र आता है, वही बोलना पड़ता है। तो इसमें किसने किसको छोड़ा है, ये आप थोड़ा खुद से मिला लीजिएगा। फिलहाल ये इंसान आपको भी हिम्मत रखने के लिए बोल रहा है, खुद भी हिम्मत जुटा रहा है, क्योंकि इनको सब पता है रिश्ते में सही गलत, किसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। इसलिए ये चाहते हैं कि इतना परेशान ना आप हो ना उनको करे। मतलब वो भी परेशान नहीं होना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में सोच सोच के, जैसे कि अपना नींद खराब करना, अपनी हालत खराब करना, तबीयत खराब करना, रोना धोना, परेशान होना, ना आप करो। जो नहीं है उसको सोच के परेशान होने के लिए ना ये आपसे कह रहे हैं, ना खुद होना चाहते हैं। ये आपसे भी कह रहे हैं कि आप खुद में हिम्मत रखो, हिम्मत रख के आगे बढ़ो, और इन्हें भी आगे बढ़ने दिया जाए, ना कि आप इन पर, ये जो कर रहे हैं इन पर आप शक मत करो, इनको बार बार इनके बारे में आप उल्टा सीधा मत सोचो, लड़ाई झगड़े में मत जाओ, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, उनको लगता है कि जब भी बातें होते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अगर इसमें परेशानी दोनों का ही है तो दोनों को ही समझना पड़ेगा, दोनों को ही हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है ये कोई नए लोग नहीं है, ये बहुत पुराने लोग हैं। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो वर्गो हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, एरीज हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, हो सकता है आपका बर्थ नंबर 8 हो या फिर 9 हो सकता है 6 हो, 5 हो। तो इस तरह के आप लोग इंसान हो सकते हो। फिलहाल ये आपसे भी इसी बात का उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इनकी बातों को समझे, आप भी इनकी परेशानी को समझे, और आप भी अपने अंदर हिम्मत रखें और उनको भी अपनी तरीके से अपने लाइफ को जीने दें, और आप भी अपने तरीके से आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए ये प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, ये रुका हुआ है, ये अपने स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और ये आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी को अहमियत दीजिए। फिर भी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है, क्योंकि हो सकता है ये एक्शन लेने के वक्त इनका दिमाग अलग तरीके से सोचे, हो सकता है ये सोच ले कि चलो फिर ठीक है एक्शन ले ही लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बोल लेते हैं। देख लेते हैं एक्शन क्या रहेगा। ये पुराना रिश्ता है, ये जो रिश्ता, जो परेशानी है, ये परेशानी भी पुराना है, मतलब कुछ दिनों बाद ये सारी चीज हो सकता है। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। स्कॉर्पियो के पर्सन का एक्शन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सन का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड। देखो जैसे उन्होंने कहा वैसा कार्ड भी आ गया। ये थोड़ा अभी धैर्य रख रहा है इंसान, आपको भी ये मेहनत करने के लिए बोल रहा है, थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है। अभी कार्ड आया था ना पेशेंस का, तो ये भी पेशेंसली इंतजार करेंगे कब, जब सब कुछ सही हो जाएगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सन के कार्ड, टेम्परेंस के कार्ड, इनको भी खुशी चाहिए, विक्ट्री चाहिए, रिश्ता चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चा चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए हो सकता है आप लोगों के रिश्ता जो है ये इतना बिगड़ गया है, इतना खराब हो गया है कि बातों बातों पे, ये लड़ाई झगड़े पे आप लोग चले आते हो, आप लोग बच्चों का भी ख्याल नहीं करते हो। जो लोग शादीशुदा हैं, ना बच्चों के ख्याल है, ना इज्जत का ख्याल, ना रिश्ते का ख्याल, इतना बुरा हालत हो गया है रिश्ते का। इसीलिए फिलहाल के लिए ये इंसान खुद भी पेशेंस रख रहा है,
और आपको भी पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करने के लिए एडवाइस कर रहा है। और इनकी तरफ से एक्शन यही होगा कि ये समय के साथ अपने आप को आगे ले जाएंगे विद स्टेबिलिटी के साथ। हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने के कारण रिश्ते में इतना परेशानी आ रहा है, तो इन्हें पता है परिवार, बच्चे, रिश्ते, हर चीज़ के बारे में इन्हें पता है। ये कोई अरे गरे मतलब ऐसे रिश्ता नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। और ये इंसान भी कोई ऐसा इंसान नहीं है, आप दोनों जो हो वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हो आप लोग, रिश्ते के अनुभव है, परिवार के अनुभव है। तो ये अभी पेशेंस रखना चाहेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही हो गया है, ये खुद भी परेशान है और फिनेंशियल परेशानी भी है, तो जब सब कुछ सही हो जाएगा तभी वो एक्शन लेंगे। एक्शन तो ये ज़रूर लेंगे क्योंकि अभी के लिए ये पेशेंस रख रहे हैं। सन का कार्ड आया है, ये विक्ट्री का कार्ड है, ये रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, अपनी लव लाइफ का हो, मैरिड लाइफ का हो, कुछ भी जिस भी रिश्ते में आप हो, जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, जिनका भी ये मैच कर रहा है, तो ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ मैच कर सकता है। तो अभी इस बंदे को सब कुछ पता है, लेकिन ये देखो वे पेशेंसली वेट करेगा कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी का, अपने आप के अंदर पेशेंस रखेंगे। टेम्परेंस का कार्ड है, ये पेशेंस रख रहा है बंदा, और ये जीतना भी चाहते हैं रिश्ते को, क्योंकि ये सन का कार्ड है, द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, मुझे लगता है ये इंसान लियो हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, एरीज लियो, सजिटेरियस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लियो के दो दो कार्ड्स आए हैं, सजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि में मत जाइए। और लिब्रा, एक्यूरियस भी हो सकते हैं, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। बंदा अभी थोड़ा इंतज़ार करेगा पेशेंस के साथ, जब उनको लगेगा, देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जब उनको लगेगा सब कुछ सही है, स्टेबल हो गए हैं ये रिश्ता, और ये बंदा खुद एक्शन ले लेगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स उनके लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स ये आपसे यही कह रहा है, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, हो सकता है इनके पास काम और आप दोनों हो, हो सकता है इनको एक टीम वर्क करके पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी में सब कुछ करना चाहोगे तो इतनी जल्दी होने की चांसेस तो नहीं है। आपको भी पेशेंस रखनी पड़ेगी, चीज़ों को समझनी पड़ेगी। जल्दबाजी से लिया हुआ कोई भी डिसीजन कभी भी सही नहीं हो सकता, इसीलिए आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। जब वक्त सही होगा ये जो भी डिसीजन लेंगे ये अपने फायदे के सोच के ही लेंगे, मतलब अपने परिवार, अपने बच्चे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें सोच के ही ये डिसीजन लेंगे। तब तक के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।